ऑल हिमाचल पीडब्ल्यूडी आईपीएच एंड कंट्रेक्चुअल वर्कर यूनियन का प्रदेश स्तरीय चुनाव बिलासपुर में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर से यूनियन के सदस्यों ने भाग लिया। सबसे पहले यूनियन की बैठक आयोजन किया गया, जिसमें राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा की गई। तो संघ ही 8 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर 22 दिसंबर को बद्दी में आयोजित कार्यकारिणी की बैठक में रूपरेखा पर चर्चा करने पर भी सहमति जताई गई। बिलासपुर में आयोजित यूनियन के चुनावों के दौरान सीताराम सैनी को सर्वसम्मति से यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। इस बात की जानकारी देते हुए इंटक के प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदीप ने जहां यूनियन का प्रधान बनने पर सीताराम सैनी को बधाई दी, तो साथ ही 8 जनवरी को आयोजित राष्ट्रव्यापी हड़ताल और 22 दिसंबर को बद्दी में आयोजित होने वाली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के संबंध में जानकारी भी दी। इस बैठक में इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद व मंत्री रहे डॉक्टर संजीवा रेड्डी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर व नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान सरकारी व निजी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर डिमांड चैप्टर बनाने और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मांग पत्र सौंपने की बात भी की गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा राजकीय महाविद्यालय पालमपुर में हिमाचल प्रदेश अंतर महाविद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए महाविद्यालय को बधाई दी और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ताइक्वांडो खेल आत्म सुरक्षा के लिए बहुत प्रभावी है और प्रदेश की बेटियां इसमें बढ़ चढ़ कर भाग भी ले रही हैं। उन्होंने कहा कि मार्शल आर्ट को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के स्वरूप में मान्यता प्राप्त है और इस खेल में भी भारतीय और प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपना लोहा मनवाया है। उन्होंने पालमपुर महाविद्यालय को पिछले वर्षों में इस स्पर्धा के बेहतर प्रदर्शन कर कई मेडल हासिल करने की बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि खेलों से मानव का शरीर और मानसिक विकास होता है तथा शारीरिक शक्ति के खेलों में लगने से बच्चे नशे इत्यादि से दूर भी रहते हैं। परमार ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय पालमपुर का नामांकन वीर योद्धा शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर है, जो हम सब के लिए गौरव की बात है और हम सबको देशभक्ति और महान बनने के प्रति प्रेरित करता है। उन्होंने बच्चों से आह्वान किया कि महान लोगों का अनुसरण कर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। गौरतलब है कि 3 दिनों तक आयोजित होने वाली अंतर महाविद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 22 महाविद्यालयों के 160 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें 60 लड़कियां और 100 लड़के शामिल हैं। सोलन पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों और उनकी माताओं के लिए एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की विशेष बात ये थी कि इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ मिलकर उनकी माताओं ने भी विभिन्न आकर्षक प्रस्तुतियां दी। इन आकर्षक प्रस्तुतियों में माताओं की छिपी हुई प्रतिभा भी सामने आई, जिसे देखकर दर्शक दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गए। कार्यक्रम के दौरान DSP गीतांजलि ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। स्कूल की प्रबंध निदेशक प्रीति कुमार ने सभी अतिथियों को स्कूल के लक्ष्यों के प्रति अवगत भी करवाया। मुख्य अतिथि गीतांजलि ठाकुर और प्रबंध निदेशक प्रीति कुमार ने इस मौके पर बताया कि अक्सर देखा गया है कि माताओं की बहुत सी मानसिक परेशानियां और चिंताओं से वे गुजरती हैं, लेकिन स्कूल द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में माताओं ने अपने बच्चों के साथ विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसकी वजह से उनमें एक नई ऊर्जा का अनुभव किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता की वजह से माताओं की छिपी हुई प्रतिभा भी निखर कर सामने आई है, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम हर संस्था और स्कूल को आयोजित करने चाहिए। स्कूल के प्रबंध निदेशक प्रीति कुमार ने बताया कि उनके स्कूल में नवीनतम तकनीक से पुरानी शिक्षा पद्धति के आधार पर बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके।
उन्होंने बताया कि आज उनके स्कूल में माँ और बच्चों की प्रस्तुतियों पर आधारित प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिसमें माताओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।